गाइस जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो यार आप लोग? खुश रहना, मस्त रहना, टन टना टन, ठीक है। और काफ़ी दिनों से लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आप अपने डॉग की वीडियोस फोटोज क्यों नहीं डालते हो। तो यार जब घर से मेरे पास आएगी, मैं तो दिल्ली में हूँ अभी, है ना, तो घर में मेरे मम्मी पापा ही देखते मेरे डॉग को, तो घर से जब वीडियोस आएगी तभी तो मैं डालूंगा। तो उन लोगों को थोड़ा सा उतना वीडियोस वगैरह खींचना आता नहीं है, तो मैं किसी और से मंगा रहा हूँ घर से। तो आज मेरे पास एक वीडियो आई है, आ तो दो तीन दिन पहले ही गई थी, मगर मैं आज डाल रहा हूँ इसको। तो इसमें मेरे तीनों डॉग्स है, मेरा जैक है, मेरी दो फीमेल है, एक ब्लैक टेन कलर की, एक ब्लैक रेड कलर की है। आप लोगों को पता ही है उनकी, पहले भी मैं जब छोटे छोटे थे तब भी वीडियो मैंने डाला था, वो भी देख सकते हो आप, बैक वाली वीडियो भी देख लेना और अभी वाली देखना। देखो डॉग की क्वालिटी दिन ब दिन चेंज हो जाती है, हर महीने चेंज मिलेगी आपको, ठीक है। तो जब मैंने जैक और शेरी लिए थे 2 फरवरी को, संचित भाई ने जो वीडियो डाली थी वो देख लेना आप, उसमें किस क्वालिटी के डॉग थे। फिर उसके बाद मैंने वीडियो डाली थी जब मैं लेके गया था उनको अपने अपने घर, मेरे पास पहुँच गए थे वो, तब मैंने 1-2 महीने के बाद उनकी वीडियो डाली थी, वो क्वालिटी देखना। फिर उसके बाद मैंने अपने चैनल में बहुत सारे वीडियोस उनके डाले हैं जब छोटे थे वो, तब की क्वालिटी देखना। और अब देखना क्वालिटी दिन ब दिन चेंज होते जाती है डॉग की, जर्मन शेपर्ड में खास करके। कोट का आपको समझ में नहीं आएगा बचपन में, धीरे 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 चेंज होते जाता है, ठीक है। तो अभी जो मेरा जैक है वो 7 महीने 15 दिन का हो गया है, 7.5 महीने के लगभग हो गया है, ठीक है। मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ 7.5 महीने, क्योंकि इस 22 तारीख को वो 8 महीने का हो जाएगा, ठीक है। तो 7 महीने कंप्लीट हो गए, उसको 8वां चल रहा है, तो इस 22 तारीख को 8 महीने का हो जाएगा। और शेरी मेरी 7 महीने 10-12 दिन की हो गई है, ठीक है, 7 महीने, हाँ 10 दिन की पकड़ लो, क्योंकि जैक और शेरी के बीच में 12 दिन का ही डिफरेंस है, तो 12 दिन उससे कम पकड़ लो, वो भी 7 महीने थोड़ा सा और 5-7 दिन एक्स्ट्रा हो गई है। 2 तारीख का ही उसका बर्थडे है मेरी शेरी का, 2 फरवरी का, तो आप जोड़ लो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, 6 महीने, 7वां चल रहा है। तो शेरी भी मेरी 7 महीने की है, तो और जैक भी मेरा 7.5 महीने का है। तो क्वालिटी देख लो, आप बोलोगे नहीं कि ये 7.5 महीने का नहीं है, ठीक है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है, मैं आप सबको पता है कि मैंने डॉग कहाँ से लाए थे, और उनकी डेट ऑफ बर्थ तो मेरे को सब कंफर्म याद है, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है इसमें, ठीक है। तो मेरे डॉग की क्वालिटी देखो आप, 7.5 महीने में मेरा जैक जर्मन शेपर्ड जो है लॉन्ग कोट में है, अभी उसकी हाइट काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है, हाइट बढ़ रही है, उसके वजह से क्या है, कोई भी डॉग हो, हाइट बढ़ने की वजह से उसकी बालों की ग्रोथ रुक जाती है। जब उसकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी तब पूरा उसके बॉडी का फोकस जो है बालों पे जाएगा, फिर बाल बढ़ना चालू हो जाएंगे, फिर घने बाल आ जाएंगे खूब सारे, ठीक है। वैसे ही मेरी शेरी का भी देखना आप, जब मैंने पीछे वीडियो डाला था 2-3 महीने पहले, तो मेरी शेरी बिल्कुल सिंगल कोट लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार ये तो सिंगल कोट है, मगर नहीं भाई, ये लॉन्ग कोट में है, और उसके बाल देखना अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से तो उसके बाल अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो हाइट भी बढ़ रही है और फिर बाल भी आ रहे हैं। जब उसकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जैसा उसका फादर था ना मेरे शेरी का, वो KCR रजिस्टर्ड था, ऐसे ही जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगी सेम, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको। 1 साल के बाद देखना हो, मेरे तीनों डॉग्स एकदम टॉप लगेंगे, टॉप क्वालिटी में, ठीक है, बाल वाल बिल्कुल बैठ जाएंगे बिल्कुल उन पर। और मेरी जो मिष्टी है, जेक मैंने फिर से फीमेल खरीदा था, वो बिल्कुल सिंगल कोट दिख रही है, बिल्कुल सिंगल कोट, ठीक है। उसकी फोटोज़ देखना, मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में डाली थी, और अभी देखना आप पहचानोगे नहीं, ये मिष्टी नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाइट ले रही है, मेरे दोनों जैक और शेरी है ना, उससे भी ज़्यादा हाइट लेगी, इतनी हाइट ले रही है ये, उसके वजह से पूरी सिंगल लग रही है, पतली सी, ये भी लॉन्ग कोट की है, ठीक है। जब इसके हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी ना, तब देखना इसके बाल, मैं आपको दिखाऊंगा, मज़ा आएगा आपको देखने में। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी हाइट बढ़ जाए बहुत अच्छा है, बाल तो बाद में आते रहेंगे, क्योंकि डेढ़ साल तक डॉग की हाइट बढ़ती है, ठीक है, 1.5-2 साल लगभग पकड़ लो, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तब तक हाइट बढ़ती है, फिर हाइट बढ़ना रुक जाएगी, तो फिर क्या है, फिर तो बालों पे ही फोकस रहेगा बॉडी का पूरा। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हाइट बढ़े, बाल आते रहेंगे आराम से, कोई बात नहीं। मेरे तीनों डॉग जर्मन शेपर्ड के लॉन्ग कोट में, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है। मेरी शेरी का कलर देखो कितना ब्लैक और रेड है,
ब्लैक और रेड का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। तो ये मेरे तीनों डॉग्स की वीडियो है मेरे पास आई है यार घर से। बारिश काफ़ी हो रही थी उस टाइम जब ये वीडियो निकाला, पूरे डॉग्स मेरे गीले हो गए थे, भीग गए थे। तो भीगे हुए बालों में भी जब वो भीग गई थी ना उनकी बॉडी, तब भी उनके बाल देखना इतने दिख रहे हैं, और जब सूख जाएंगे तो कितने दिखेंगे। तो उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी, तब कोई भाई ने वीडियोस निकाल के मुझे भेजी है। मेरा एक भाई गया था सागर, सागर बंडे छिंदवाड़ा में रहता है, छिंदवाड़ा से नागपुर गया था खास मेरे डॉग देखने के लिए। वो खुद बोल रहा था कि नहीं सर, आपके डॉग बहुत शानदार है, आपको वीडियो में नहीं दिख रहे मगर ओरिजिनल में आप देखो बहुत ज़बरदस्त डॉग है आपके तीनों। तो वो भी बोल रहा था, तो उसी ने मुझे वीडियो भेजा। मेरे बोला चलो सबको मेरा डॉग की वीडियो दिखा देता हूँ। और आप लोग बोल भी रहे थे, काफ़ी सारे लोग मुझे व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर रहे थे और मेरे चैनल पे भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप अपने डॉग की वीडियो डालो, हमें आपके डॉग देखना है, आपके डॉग देखना है। तो ये मेरे डॉग्स है भाई, मुझे ज़रूर बताना मेरे कमेंट्स में मेरे डॉग कैसे लगे। तो मैं चाहूँगा कि इनको और भी अच्छा बनाओ, और भी अच्छा बनाओ। मैं अभी अक्टूबर में छुट्टी जाने वाला हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा जितने दिन भी मैं रहूँगा उनके साथ, तो उनसे बहुत मतलब कोशिश करूँगा कि उनकी सेवा करूँ, बहुत अच्छा उनको और बनाने की कोशिश करूँ। बाकी तो सब उनको खाने पीने के लिए सब मिल ही रहा है यार, मैं हर चीज़ पे ध्यान रखता हूँ। मैंने अभी तक अपने डॉग्स को कभी भी हॉस्पिटल नहीं ले गया अभी तक, ठीक है? कभी ना बीमार गिरे ना कुछ भी नहीं हुआ मेरे डॉग से, बिल्कुल भगवान की दया से टन टनाटन है एकदम मलाई मार के। तो डॉग का ध्यान भी रखना पड़ता है, डॉग तभी बीमार होता है, हम लोग उस पर अनदेखी कर देते हैं, है ना? लापरवाही बरतने से भी डॉग बीमार होते हैं, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है उस पर पूरा ध्यान रखना। जानवर है यार, उसको तो क्या है, वो जो दिखाओ मिल जाएगा वो खा लेगा। तो इन सब चीज़ों से भी रोकना है, डांटना है डॉग को, थोड़ा सा सिखाना भी जरूरी है, उल्टा सीधा चीज़ ना खाए। कोई भी अगर ऐसा फेंक दे तो खा ले तो ये गलत बात है, कोई दुश्मन भी होते हैं अपने, कोई कुछ लगा के फेंक दे और खा ले, हमारा डॉग मर भी सकता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आगे तक का सोचना है सब चीज़ों पे, ठीक है? तो गाइस वीडियो देख लेना, मैं आगे वीडियो डालूंगा, कैसे लगे मेरे तीनों डॉग्स आपको तो ज़रूर बताना और कमेंट देना। और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस में आके डालते रहूँगा अपने डॉग से, बहुत सारे वीडियो में डालूंगा। जब मैं छुट्टी जाऊँगा तो मैं मॉर्निंग वॉक के भी वीडियोस बनाऊँगा, मैं खुद ले जाऊँगा उनको मॉर्निंग वॉक के लिए, तो तब के भी वीडियो डालूंगा, फिर दिखाऊंगा आपको कोट, दिखाऊंगा नज़दीक से उनका सब, काफ़ी सारे मैं वीडियोस दिखाऊंगा आपको। तो चलिए गाइस इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल शिव गणेश डॉग हाउस। जय हिंद, नमस्कार।
Thank you.